छाप कांग्रेसियों से परेशान कांग्रेस पार्टी अब यूथ कांग्रेस में भाजपाइयों की एंट्री से हिल गई है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी में शामिल हो चुके नेताओं को पदाधिकारी बनाने पर बवाल उठ खड़ा हुआ है। जबलपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से हर्षित सिंह गई और सिवनी से उमंग शर्मा को जिला यूथ कांग्रेस इकाई में सचिव बनाने पर पार्टी की किरकिरी हो रही है। इस पूरे मामले की शिकायत राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंचने के बाद एमपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने दोनों पदाधिकारियों का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। ये दोनों नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यूथ कांग्रेस में भाजपाइयों को पदाधिकारी बना दिया गया था। हल्ला हुआ तो यूथ कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए उमंग शर्मा और हर्षित सिंघई का निर्वाचन निरस्त कर दिया। यूथ कांग्रेस ने इसके पीछे गलत तरीके से पदाधिकारी के लिए नामांकन भरने और अपने लोगों को चुनाव की प्रक्रिया में शामिल कर कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी में सदस्य बनाने से लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया 2018 में शुरू की गई थी। हाल ही में यूथ कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई थी, उसके बाद चुनाव नतीजों का ऐलान हुआ। यूथ कांग्रेस के चुनाव में कांग्रेस का दावा पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतने और लोकतंत्र प्रक्रिया से चुनाव कराने का था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को नियुक्त करने और कई पदाधिकारियों की नियुक्ति विवादों के घेरे में है। अब ताजा विवाद सामने आने के बाद एक बार फिर चुनाव की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। यूथ कांग्रेस की बॉडी में भाजपाइयों को शामिल करने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कहा, कांग्रेस के पास चेहरों की कमी हो गई है, अब भाजपाइयों को यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यूथ कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। अभिलाष पांडे ने कहा, यूथ कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। आंतरिक चुनाव के जरिए पदाधिकारी चुने जाने का दावा करने वाली यूथ कांग्रेस में भाजपाइयों को पदाधिकारी बनाने से हकीकत सामने आ गई है। पांडे ने कांग्रेस को आत्मावलोकन करने की जरूरत बताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।